फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से बात की है। इस वक्त ही ये बड़ी वॉर ब्रेकिंग फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की पहल, उन्होंने बात की है, उन्होंने जो बाइडेन से बात की है जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति है, और उन्होंने ज़ेलेंस्की से भी बात की है जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति है, और यूक्रेन के मौजूदा हालात पर उन्होंने चर्चा की है। इमैनुअल मैक्रों की बातचीत हुई है, ये बातचीत उनकी अमेरिका से हुई है, उनकी ये बातचीत यूक्रेन से हुई, दोनों से बातचीत हुई है, रशिया से बातचीत नहीं हुई। तो जो बाइडेन और यूक्रेनी राष्ट्रपति से उनकी बातचीत, क्या फ्रांस मदद करेगा, किस सिलसिले में बात हुई, फ्रांस इसमें क्या रुख अपनाएगा, ये इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन इस बीच में रूसी वार्ताकार ने जल्द समझौते की उम्मीद जताई है। रूसी वार्ताकार ने समझौते की उम्मीद जताई है मॉस्को और कीव में जल्द हो सकता है समझौता, और जल्द ही दोनों देशों में द्विपक्षीय समझौता हो सकता है। ये बड़ी खबर आपको देते हैं। रूसी वार्ताकार ने यह उम्मीद जताई है कि जल्द ही द्विपक्षीय समझौता हो सकता है। प्रतिनिधि मंडलों की बातचीत दस्तावेज बन सकती है, दोनों ही देशों के बीच में हुई बातचीत का दस्तावेज जल्द सामने आ सकता है। दोनों के बीच में कई दौर की बातचीत हो चुकी है प्रतिनिधि मंडल की। ज़ेलेंस्की ने भी इस बात का उल्लेख किया कि प्रतिनिधिमंडल बातचीत कर रहे हैं और बातचीत की जमीन तैयार हो रही है, तो मॉस्को और कीव के बीच में जल्द ही समझौता हो सकता है। समझौता होना, क्या युद्ध खत्म होने की ओर आगे बढ़ रहा है, और सवाल है कि जब समझौता होगा तो मानेगा कौन। यूक्रेन पर रूस के हमले कम होने के बजाय अभी फिलहाल तेज होते जा रहे हैं, और रविवार को दो अमेरिकी पत्रकारों को गोली लगी जिसमें एक पत्रकार की मौत हो गई जबकि दूसरे पत्रकार का अस्पताल में इलाज चल रहा है। कीव इलाके की पुलिस का दावा है कि रूसी सैनिकों ने कार पर गोलियां चलाई जिसकी चपेट में आकर अमेरिकी पत्रकार मारा गया। Presenting the news app available on Google Play and App Store. Download it now.